दसवीं हिंदी पढ़ रहे हैं आप। क्षितिज के गद्य खंड में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ 15 आज हम पढ़ रहे हैं और इसके लेखक है भगवान महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। अब हम सबसे पहले द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1964 में ग्राम दौलतपुर, 1864 में ग्राम दौलतपुर के जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आपके स्कूल की शिक्षा पूरी कर रेलवे में द्विवेदी जी को नौकरी करनी पड़ी और इसके बाद नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। फिर आपका देहांत सन 1938 में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना। वे हिंदी के सबसे पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, चिंतन एवं लेखन के संस्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। अब देखते हैं द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं या कृतियां कौन कौन सी हैं। तो रसक रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत अलाप, ये निबंध संग्रह है, संपत्ति शास्त्र उसकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, महिला उपयोगी पुस्तक है, तो आध्यात्मिक दर्शन की द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। द्विवेदी जी का जो काव्य संग्रह है वह कायम में है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के जो 15 खंडों में प्रकाशित है उसमें है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा की बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया और उन्होंने सरस्वती माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है और भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य भी आपने किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन बहुत ही व्यापक है। हिंदी नवजागरण के संदर्भ में यह संभव है। विद्वता और बहुजता के साथ सरसता और उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। जीवन परिचय
देखेंगे पाठ का परिचय। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। किस क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं है? लड़कों से शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य कार्य क्षेत्र में। यहाँ तक पहुंचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए अलग चलाया। और त्रिवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। इस लेख की दूसरी विशेषता है कि इसमें परंपरा को चौकटियों नहीं स्वीकार बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही है। और परंपरा का जो हिस्सा खराब हो चुका है उसे रूढ़ि मानकर छोड़ देने की बात कही। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह जो लेख है पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला बोध पुस्तक में शामिल करते हुए इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। पाठ का सारांश है कि इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रसारित करते हुए उनके विचारों का खंडन किया। किसको? स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रसारित करते हुए विचारों का खंडन किया। और लेखक को इस बात का दुख है कि आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों को पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। विद्वानों द्वारा यह दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी अपनी स्त्रियों को गवारों की भाषा प्रयोग करते दिखाया गया है। शकुंतला का उदाहरण एक गवार के रूप में दिया गया जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक को गवारों की भाषा की इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती? बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। तो क्या वे गवार थे? लेखक कहते हैं कि हिंदी बंगला भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषा है। जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी बंगला भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्राकृत को हासिल था। फिर भी प्राकृत भाषा बोलना अनपढ़ होने का सबूत है यह बात तो सही नहीं मानी जा सकती। जिस समय नाट्य शास्त्रियों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत कर दिया। लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है किंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। उसी तरह प्राचीन समय में जो नारी विद्यालय की जानकारी नहीं मिलती तो उसका अर्थ यह तो नहीं लगा सकते कि सारी स्त्रियां गवार थी। लेखक प्राचीन काल की अनेक शिक्षित स्त्री शीला विद्या के उदाहरण देते हुए उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाच गाना फूल चुनने हार बनाने की आजादी थी तब यह
शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेखक कहते हैं कि मान लीजिए प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी, सब अनपढ़ थी, तब उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई हो, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए इसे अवश्य शिक्षित महिलाओं को अवश्य ही शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि यह आज की आवश्यकता बन गई है। चाहे लेखक पिछले विचार वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें पुरानी मान्यताओं को बदल लेना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मानते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के उत्तरार्ध का 13वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मणी ने लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्राकृत में नहीं था। सीता शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण लेते हैं, उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। लेखक कहते हैं कि अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। और आज की मांग है कि हम इन पिछले मानसिकता की बातों से निकल कर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें, प्राचीन मान्यताओं को आधार बनाकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है। अब हम देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। अब शब्दार्थ देखेंगे कि इस पाठ के जो कठिन शब्द है, धर्म तत्व, धर्म का सार, दलील, तर्क, सुभाग विधि, अच्छी राह पर चलने वाले, कुतर्क, अनुचित तर्क, प्राकृत, प्राचीन काल की भाषा, कुमार्गामी, बुरी राह पर चलने वाला, वेदांतवादिनी, वेदांत के दर्शन पर बोलने वाली, दर्शक ग्रंथ, जानकारी देने वाली पुस्तकें, प्रगल्लभ, प्रतिभावान, न्यायशीलता, न्याय के अनुसार, विज्ञ, समझदार, खंडन, किसी बात को तर्कपूर्ण ढंग से गलत कहना, नामोल्लेख, नाम को उल्लेख करना, कालकूट, मतलब विष, पीयूष, सुधा, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, जिसको ज्ञान कम हो, थोड़ा जानने वाला, अपकार, अहित, ग्रस्त, पाप, ग्रह से प्रभावित। अब है नीतिज, नीति को नीति जानने वाला। अपकार, अहित, व्याभिचार, दुराचार, ग्रहग्रस्त, पाप ग्रह से ग्रसित, परित्यक्त, जिसको छोड़ दिया गया हो, छोड़ा हुआ, कलम का लोपन, दोष मढ़ना, दुर्वाक्य, निंदा करने वाला, बात व्यथित, बातों से दुखी होना, गवार, असभ्य, तथापि, फिर भी, बलिहारी, न्योछावर, धर्मावलंबी, धर्म पर निर्भर रहने वाला, धर्मावलंबी, धर्म पर निर्भर, गई बीती, बदतर, संशोधन, सुधार, मिथ्या, झूठ, 16 आने, मतलब फिर है।
देना। ये तो थे आपके इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न उत्तर कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो देखते हैं कि द्विवेदी जी ने क्या तर्क दिए। तो कुछ जो पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने कुछ तर्कों के द्वारा उनके विचारों का खंडन किया। पहला है कि प्राचीन काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता, शकुंतला, रुक्मणी आदि महिलाएं इसका उदाहरण है। वेदों पुराणों में भी इसका क्या प्रमाण मिलता है? फिर प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्री ने की है। यदि ग्रह कला स्त्रियों की शिक्षा का परिणाम है तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि चोरी, डकैती, रिश्वत लेना, हत्या जैसे दंडनीय अपराध मर्दों की शिक्षा का ही परिणाम है। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, या तो वह इतिहास से अनभिज्ञ है या फिर समाज के लोगों को धोखा देते हैं। अगर ऐसा था कि पुराने जमाने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक है। अब है प्रश्न कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों ने इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया अपने शब्दों में? द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया है कि अनर्थ अगर स्त्रियों के द्वारा होते तो पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है, अतः पुरुषों के विद्यालय भी बंद कर देने चाहिए। दूसरा तर्क है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या उन अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता थी। और तीसरा तर्क यह है कि व्यंग्यपूर्ण तर्क है जो स्त्रियों के लिए पढ़ना कालपूर्ण और पुरुषों के लिए पुरुष का भेद। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना अब है। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पुराने जमाने की स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा प्राकृत थी जिसे सुशिक्षितों द्वारा बोला जाता था और जो आज भी हिंदी जनसाधारण की भाषा है। यदि हिंदी बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है तो उस समय प्राकृत बोलने वाले भी अनपढ़ या गवार नहीं हो सकते। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण भाषा थी। उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं कह सकते। अब है प्रश्न कि परंपरा से उन्हीं पक्षों को उत्तर है कि परंपराएं
मानव जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने की ये होती है। और प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में बांटा है। सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी, प्रकृति ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर सकती है और स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। जहां तक परंपरा का प्रश्न है, परंपरा का स्वरूप पहले से बदल गया है, अतः परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समानता को बनाए। फिर प्रश्न की तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। उत्तर है, पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आ गया है। तब शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता। पहले की शिक्षा में जहां जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज की शिक्षा में व्यवसायिक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त सी हो चली है। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध, उनकी दूरगामी और खुली सोच और मानसिकता का परिचायक है कैसे। इसका उत्तर है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन में शिक्षा के विरोधी तर्कों का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने विचार प्रकट किए हैं। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था और यह जो निबंध है इसमें द्विवेदी जी ने स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का समर्थन किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के सभी कुतर्कों का उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन। उन्होंने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा का सप्रमाण सहित उसको गलत कर सिद्ध किया है और स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने के कुतर्कों का भी अनुचित और गलत प्रमाणित किया है। साथ ही यह भी विचार प्रकट किया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत ही समाज की उन्नति संभव है। स्त्री को भी पुरुषों के ही समान अधिकार दिए जाने के बाद वो तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने इस निबंध में उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया। अब ये प्रश्न की द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। द्विवेदी जी ने अपने निबंध में विषय के अनुरूप गंभीर सरस और प्रवाह में भाषा का प्रयोग किया है। विचारपूर्ण निबंध होने के कारण उसमें उदाहरण व्यंग और समासिक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया है और अपने निबंध में संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज शब्द तद्भव और उर्दू अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग और समावेश किया है। अब है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके अधिक से अधिक अर्थ स्पष्ट हो। उत्तर है, से चाल राधा को पुरस्कार देना उसकी चाल है और अपनी चाल को तेज करो। अब आता है शब्द दल। उस दल का नेता बहुत अच्छे स्वभाव वाला होता है जिसको टोली भी कहते हैं। फिर है फूल। यहाँ पर दल बोला है पंखुड़ियों के लिए।
फिर आता है शब्द पत्र। मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी। फिर दूसरा है अपने भोज पत्र पर। पहले भोज पत्र पर लिखा जाता था। भोज पत्र एक तरह की पट्टी या पत्ता होता है। फिर है हरा। यहाँ पर हरा को लिखा है कि पत्तों का रंग हरा होता है, तो हरा यहाँ पे रंग बता दिया है। इतनी गर्मी होने के बाद भी तालाब का पानी हरा और भरा है। यहाँ पर हरा और भरा से तात्पर्य है कि ताजा है। फिर शब्द है पर। तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए। यहाँ पर से तात्पर्य है कि उस पक्षी के पंख क्यों काट दिए। तुम उसे नहीं जानते पर मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर है पंख पर कि तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए। यहाँ पर का मतलब है पंख और तुम उसे नहीं जानते पर मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। फिर है फल। इस पेड़ के फल बहुत मीठे होते हैं। यहाँ पर फल से है जिन फलों का सेवन हम करते। फिर है दूसरा कि उसके कार्य का फल बहुत बुरा था। यहाँ पर फल का तात्पर्य या अर्थ है परिणाम को किसी कार्य के करने के बाद उसका क्या फल या क्या परिणाम निकला। कुल। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। यहाँ पर कुल का तात्पर्य है वंश। फिर है दूसरा हमारे देश की कुल आबादी कितनी होनी चाहिए। यहाँ कुल से है पूरा या समस्त। ये हमारे देश की कुल आबादी कितनी